महाराष्ट्र में अब तक एनडीए और एमवीए दो बड़े गठबंधन थे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर अब तीसरे गठबंधन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रकाश अंबेडकर को एमवीए ने सिर्फ 3 सीट का ऑफर दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं। एमवीए से अब भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ प्रकाश अंबेडकर तीसरे गठबंधन की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। पुणे के एमएनएस के पूर्व नेता वसंत मोरे ने कुछ दिनों पहले एमएनएस का दामन छोड़ा और आज प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की है। प्रकाश अंबेडकर ने इसके पहले मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह मुलाकात बहुत ही पॉजिटिव रही है। प्रकाश अंबेडकर ने ओबीसी बहुजन पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अन्ना शेरेंगे से भी मुलाकात की। अंबेडकर तीसरे गठबंधन की तैयारी में जुट गए हैं और 2 अप्रैल को इस संदर्भ में बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। वसंत मोरे ने कुछ दिन पहले मनसे छोड़ दी थी और पुणे से लोकसभा सीट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक एनडीए और एमवीए दो बड़े गठबंधन थे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर अब तीसरे गठबंधन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रकाश अंबेडकर को एमवीए ने सिर्फ 3 सीट का ऑफर दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं। एमवीए से अब भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ प्रकाश अंबेडकर तीसरे गठबंधन की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। पुणे के एमएनएस के पूर्व नेता वसंत मोरे ने कुछ दिनों पहले एमएनएस का दामन छोड़ा और आज प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की है। प्रकाश अंबेडकर ने इसके पहले मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह मुलाकात बहुत ही पॉजिटिव रही है। प्रकाश अंबेडकर ने ओबीसी बहुजन पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अन्ना शेरेंगे से भी मुलाकात की। अंबेडकर तीसरे गठबंधन की तैयारी में जुट गए हैं और 2 अप्रैल को इस संदर्भ में बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। वसंत मोरे ने कुछ दिन पहले मनसे छोड़ दी थी और पुणे से लोकसभा सीट मांग रहे हैं।